सड़क पर कब्जा कर व्यापार करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है। ऐसे दुकानदारों के खिलाफ सिंगरौली में नगर निगम ने चालानी कार्रवाई शुरू कर दी है। सड़क को अपनी बापोती समझने वाले दुकानदारों के खिलाफ सिंगरौली कलेक्टर अरुण परमार के आदेश पर नगर पालिका के आयुक्त सत्य सिंह धाकरे ने कार्रवाई शुरू कर दी है। व्यापारी सड़क जाम कर अपनी अपनी दुकान लगा देते हैं, जिससे आम राहगीरों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नगर निगम ने ऐसे दुकानदारों को चिन्हित कर चालानी कार्रवाई की और ऐसे लोगों को अपनी दुकानें मल्हार पार्क के पास, बिरसा मुंडा के पास लगाने के निर्देश दिए। वहीं पूर्व मंत्री वंशमणि वर्मा के घर के सामने नगर निगम के खाली जमीन पर सब्जी की दुकान लगाई जाएंगी, इस तरह के आदेश भी नगर निगम ने दिए हैं। वहीं नगर निगम ने ट्रेड लाइसेंस के बिना मुर्गा मछली दुकान चला रहे 8 लोगों पर चालानी कार्रवाई की। मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार माननीय कलेक्टर साहब आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार यहाँ हम लोग स्थल पर आकर के सभी दुकानदारों को समझाई दी कि नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस, खाद्य अधिकारी के यहाँ से खाद्य सुरक्षा का लाइसेंस प्राप्त कर लें। जो दुकानें हमारे नगर निगम से खाली है, खाली दुकानों को आवंटन कराने के लिए आवेदन करें। सभी लोग लाइसेंस बनवा लें। बाहर खुले में मांस मछली मुर्गा मटन किसी भी प्रकार का व्यापार प्रतिबंधित है। आप सबको विदित है, सभी लोग सहयोग करें जिससे शहर साफ सुथरा स्वच्छ रह सके। और पूरे बाज़ार में हम लोग घूम घूम करके सबको बता रहे हैं कि सब लोग अपने दुकानों में ही दुकान करें, रोड में फुटपाथ में नाली में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करें। आज यहाँ मांस मंडी में 8 लोगों का चालान जुर्माना जमा कराया गया है ट्रेड लाइसेंस न होने के कारण, और भविष्य में इस तरह की कारोबारी निरंतर होती रहेगी। अतः आप सभी लोगों से अपील है कि आप लोग अपने अपने दुकानों को व्यवस्थित तरीके से शासन के आदेशों का जैसा गाइडलाइन है उसी का पालन करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।